तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइस वापस आ चुके हैं GT5 की एक और नई वीडियो के साथ, अपनी न्यू इंडियन कार्स वर्सेस अपनी ओल्ड इंडियन कार्स की एक और नई वीडियो के साथ। और गाइस आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे अपनी नई वर्सेस पुरानी इंडियन कार्स का रैंप चैलेंज। लेकिन आज का जो रैंप चैलेंज भाई इतना ईजी तो होने नहीं वाला है। तो भाई जो रैंप है भाई वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख दो भाई, ये है अपना रैंप जो हमने बनाया गाइस पूरा का पूरा यहाँ पे इन ईंटों से। तो भाई रैंप जो भाई काफ़ी ज़्यादा यूनिक, और साथ ही साथ हमने इस पर लगा के रखा कि यार ढेर सारे स्पीड बम्प्स। तो गाइस अपनी जो गाड़ी है भाई वो यहाँ से सीधे जाने वाली है और जाने वाली, और इतने सारे स्पीड बम्प्स को पार करने के बाद, यानी कि जो भी गाड़ी अपनी इतने स्पीड बम्प्स पे यार बैलेंस बना लेगी और भाई इनको पार कर लेगी, वो लेगी भाई यहाँ से अपने इस रैंप से जंप। और जंप लेने के बाद पहुंचना होगा भाई यहाँ अपने बीच वाले एरिया पे, यानी कि अपने फिनिश पॉइंट पे। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे अपनी कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा आने वाली हैं, अपनी इंडियन कार्स या फिर अपनी पुरानी वाली इंडियन कास्ट। भाई जल्दी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे हमारा आज का चैलेंज गाइस स्टार्ट हो रहा है भाई अपनी महिंद्रा थार से, और अपनी पुरानी वाली यानी कि अपनी CRDE वाली महिंद्रा थार। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे जो अपनी थार है कैसा परफॉर्म करती है पुरानी वाली। तो ये चलिए गाइस पुरानी वाली महिंद्रा थार, और देख सकते हो यार अपनी पुरानी वाली थार की सस्पेंशन से काफ़ी हार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भाई काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस अपनी थार की। क्या बात है यार, 200 पहुँच गई अपनी पुरानी थार। ओहो क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। और यहाँ पे गाइस पुरानी थार ने जो है जंप मार दिया है। अब देखना ये कि आपने बीच वाले एरिया पे पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। ऑल राइट, पहुँच गई यार, क्या बात है अपनी पुरानी थार में यार काफ़ी जान है। तो गाइस ये वाली गाड़ी तो अपनी यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो मैं इसको इधर ही पार्क करता हूँ। गाइस लेते हैं अपनी नई वाली गाड़ी को। तो गाइस आ चुकी है आप हमारी नई वाली महिंद्रा थार। अब देखते हैं गाइस अपनी नई थार है यहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगी। ओके तो गाइस ये चल अपनी नई वाली थार यहाँ पर, और नई वाली थार है काफ़ी हद तक साइलेंट हो चुकी है, लेकिन भाई ये थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो रही है यहाँ पे, या फिर नई थार के सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है शायद से। ओहो पीछे तो उछल भी रही है भाई ये गाड़ी, लेकिन यार मार दी जंप इसने। देखते हैं गाइस ये तो भाई ये तो डेफिनेटली पहुँचेगी, और बस डर इसी बात का था कि यार इसका बैलेंस ना बिगड़े, जो कि नहीं बिगड़ा है। और यहाँ पर देख दो भाई जब नई वाली थार है पुरानी थार से थोड़ी सी ज़्यादा, नहीं थोड़ी नहीं काफ़ी आगे आई है, तो मैं इसको भी यहीं पे पार्क करता हूँ। तो गाइस अब जो यहाँ पर हमारी अगली गाड़ी है अपनी छोटी सी वैगनार, अपनी पुरानी वाली वैगनार, और वैगनार इसको स्पीड बम्प पर ले जाना यानी खतरे की घंटी खुद बजाना है। ऑल राइट गाइस यहाँ पर भी वैगनार चल चुकी है, और देख सकते हो यार वैगनार की अच्छी खासी स्पीड में जा रही है यार पुरानी वाली। क्या बात है, क्या बात है भाई अपनी पुरानी वाली वैगनार यार सस्पेंशन टेस्ट काफ़ी तगड़े से कर रही है। अब देखते हैं गाइस क्या ये भाई बीच पे पहुँचेगी या फिर नहीं पहुँचेगी, इसका मुझे पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऑल राइट पानी में, ये पानी में है, पानी में। ओ नहीं सीधा गिरते ही बंद हो गई। तो गाइस इधर तो अपनी यार पुरानी वाली वैगनार तो यार बीच पे पहुँच ही नहीं पाई यार, पानी में ही गिर गई है। मैं इसको तो यार यहीं पे ही छोड़ देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है इधर अपनी नई वाली वैगनार की। तो देखते हैं गाइस अपनी नई वैगनार है यहाँ पे कैसे परफॉर्म करते हो। कांच इस वाली वैगनार में अलॉय व्हील्स आते तो यार काफ़ी अच्छी लगती है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं गाइस अपनी नई वैगनार की परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहने वाली है। गाड़ी काफ़ी साइलेंट है, लेकिन उछल रही है पीछे से, बहुत ज़्यादा उछल रही है। और नहीं गाइस यहाँ पे जो भाई अपनी नई वाली वैगनार है ये तो जंप भी नहीं ले पाई यार। मतलब यार मुझे लगा था कि हो सकता है वाली गाड़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करे आगे जाए, हालांकि इसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन जो सस्पेंशंस थे ना यार अपनी पुरानी वाली वैगनार कहीं ज़्यादा बढ़िया थे यार, ये भाई तो भाई सीधा की सीधा क्रैश हो गई है। तो गाइस जब बारी आती है अपनी वितारा ब्रेजा की, और गाइस ये अपनी पुरानी वाली वितारा ब्रेजा है, तो देखते हैं गाइस अपनी पुरानी वितारा ब्रेजा गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो गाइस ये अपनी वितारा ब्रेजा यहाँ पे ऑल राइट गाइस ये जा रही है, और भाई ये वाली वितारा ब्रेजा थोड़ी बहुत पीछे उछल रही थी, लेकिन अभी तो एकदम चिपक के चल रही है, और सस्पेंशन तो काफ़ी बढ़िया है इसके। ऑल राइट जंप अपना आ चुका है यहाँ पे, और जहाँ पे गाइस अपनी पितारा ब्रेजा ने मार दिया है जंप। अब देखते हैं गाइस कहाँ जाएगी, क्या ये बीच से पहुँचेगी या बीच से पहुँच जाएगी, या डेफिनेटली पहुँचेगी। और नहीं थोड़ा सा और गाइस यहाँ पे अपनी पितारा ब्रेजा जो है यार बीच पे पहुँच के यार पीछे आ गई, यानी कि यार ये वाली गाड़ी तो भाई पास हुई यार है, उछल के पीछे आ गई, तो इसमें यार बेचारी गाड़ी की कोई गलती नहीं है। तो ये जहाँ पे गई थी मैं इसको यार उधर ही रख देता हूँ। तो गाइस बारी आती है इधर अपनी नई वाली वितारा ब्रेजा की, और इतने गाइस अपनी नई वाली ब्रेजा गाइस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो ये चली गाइस अपनी इधर नई वाली ब्रेजा, ऑल राइट यहाँ पे अपनी नई वाली ब्रेजा यार ये भी काफ़ी बढ़िया जा रही है, हालांकि यार ये गाड़ी थोड़ी उछल ज़्यादा रही है अपनी पुरानी वाली ब्रेजा से, लेकिन यार काफ़ी बढ़िया जा रही है। और यहाँ पे जंप आ चुका है, और देखते हैं गाइस अपनी नई वाली ब्रेजा यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली, क्या अपनी पुरानी ब्रेजा से आगे जाएगी। डेफिनेटली जाएगी यार,
और यहाँ पे लैंडिंग हो चुकी है भाई अपनी नई वाली ब्रेजा की, और देख सकते हो अपनी पुरानी वाली थार से भी आ गई यार अपनी नई वाली ब्रेजा। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे 2014 वाली अपनी फॉर्च्यूनर की, और देख गाइस अपनी पुरानी वाली फॉर्च्यूनर है यार ये कैसा परफॉर्म करती है, और लाइट ये नहीं पुरानी फॉर्च्यूनर यहाँ पे, और देखने गाइस परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली। 200 प्लस चार्ज की अपनी गाड़ी, 212 213 215 216। ऑल राइट गैस यहाँ पर जब मार दे भाई पुरानी वाली फॉर्चुनर ने, और इतने गैस भी पुरानी फॉर्चुनर यहाँ पे कितनी आगे जाने वाली है। और गैस गाड़ी काफ़ी भारी है, और ओ अरे ये पीछे क्यों जा रही है, बीच के साइड में गिरती तो कैसे देख लो गड्ढा कर दिया भाई, कितनी मजबूत भाई मजबूत क्या, अब भाई आगे इसका मुंह भी टेढ़ा हो चुका है, लेकिन गाड़ी अपनी स्टार्ट है। तो गैस ये वाली जो अपनी गाड़ी थी वाली फॉर्च्यूनर अपनी यहाँ पे गिरती, मैं इसको इधर ही छोड़ता हूँ गैस, लेते हैं अपनी लेजेंडर को। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, और देखते हैं गैस जो अपनी लेजेंडर है यहाँ पे यार ये कैसा परफॉर्म करेगी। तो गैस ये चल रही फॉर्च्यूनर लेजेंडर यहाँ पे, और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली अपनी इस वाली गाड़ी की। 190 की स्पीड पर पहुँच चुकी है यार अपनी लेजेंडर, वो 245 की स्पीड से गैस ने लेजेंडर ने मारा है जंप, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गई थी इसकी। ओ यार भाई पुरानी वाली फॉर्च्यूनर से तो काफ़ी ज़्यादा आगे आई यार इतनी भारी होने के बावजूद, और यहाँ पे आके गिरी है, और मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको बिना इधर ही पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी पुरानी वाली नेक्सॉन की, और गैस जो पुरानी टाटा नेक्सॉन है गैस इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और लाइट देखते हैं गैस जो पुरानी वाली नेक्सॉन गैस ये वाली गाड़ी थी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, वैसे इसके सस्पेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है भाई, कितनी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है गाड़ी। और बस रैम तक पहुँच जाना भाई, रैम तक भाई बहुत उछल रही है यार, बहुत उछल रही है। और फाइनली गैस यहाँ पे पुरानी नेक्सॉन ने तो यार जंप मार दिया, लेकिन बैलेंसिंग इस गाड़ी की बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी भाई, बहुत ज़्यादा उछल रही थी। और गैस यहाँ अपनी पुरानी वाली जो गाड़ी है वो तो भाई पहुंच गई अपने बीच वाले एरिया पे, यानी कि अपनी पुरानी नेक्सॉन तो गैस अपने इस चैलेंज में पास हो चुके, तो मैं इसको भी इधर ही पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है अपनी नई नेक्सॉन की, और देखते हैं गैस अपनी नई वाली नेक्सॉन है इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। और लाइक यही नेक्सॉन, और देखते हैं गैस ये वाली गाड़ी क्या अपनी उछलती है वैसे या फिर नहीं उछलती, वैसे मुझे लगने लगता है अपनी नई नेक्सॉन यहाँ पर उछलने भी वाली है। और लाइट गैस कितनी स्टेबल जा रही है यार ये गाड़ी, कितनी स्टेबल जा रही है, बिल्कुल भी जंप नहीं मार रही, तो भाई इंप्रूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। और देखते गैस अपनी नई वाली नेक्सॉन है क्या अपनी पुरानी नेक्सॉन से आगे जाएगी या फिर नहीं, और बहुत अच्छी खासी आगे आई है भाई, ब्रेजा के सर पे गिरी आके, तो मैं इसको बिना इधर ही यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, यहाँ पे गिरी थी और भाई ब्रेजा की बेचारी की छत भाई पिचका दी इसने, कोई बात नहीं। तो कैसा पा रहे थे इधर अपनी पुरानी वाली होंडा सिटी की, और इतने कैसे पुरानी होंडा सिटी है भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगी। तो ये चली भाई पुरानी होंडा सिटी, और राइट 140 पहुँच चुकी है, 160 170 और पुरानी होंडा सिटी देख सकती है, और यह सडान होने के बावजूद यार कितना बढ़िया जा रही है गाड़ी। ऑल राइट 290 की स्पीड से गाइस ने होंडा सिटी ने जंप मारी, और भाई आप लोगों को पता ही अपनी पुरानी वाली जो होंडा सिटी भाई काफ़ी बढ़िया जंप मारती थी, और देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा आगे आके गिरी है भाई, आगे थोड़ा सा मुंह इसका फूट चुका है, तो मैं इसको इधर ही पार्क करता हूँ भाई, लेते अपनी नई वाली होंडा सिटी को। तो गाइस इधर आ चुकी है अपनी नई वाली होंडा सिटी, और देखते गाइस अपनी नई सिटी है यहाँ पे यार इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो ये चलिए गाइस अपनी नई वाली सिटी, 150 160 170 180 200, तो गैस पहुंच चुके हो भाई अपनी नई वाली सिटी में ना, यहाँ पे कुछ कम नहीं है, बहुत ही बढ़िया जा रही है, चिपक के जा रही है, और 230 की स्पीड से गैस अपनी नई सिटी ने मार दिया है जंप। अब देखते हैं क्या ये गाड़ी 20 पे पहुंचेगी, इसका थोड़ा सा मुझे सीन गड़बड़ सा क्यों लग रहा है। ऑल राइट पहुँच जाएगी, और पहुँच गई भाई, फॉर्च्यूनर की छत पर गिरी है यार ये गाड़ी, कोई बात नहीं मैं इसको बिना यहाँ पे पार्क करता हूँ। वैसे अपनी पुरानी वाली सिटी यार जंप्स मामले में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी देसी गाड़ी अपनी महिंद्रा बुलेरो की, और देखते हैं आज अपनी बुलेरो यहाँ पे यार कैसा परफॉर्म करने वाली। तो गाइस ये चल अपनी बुलेरो 130 150 160 170 180 200 पहुँच गई अपनी देसी गाड़ी, क्या बात है बुलेरो यार, मतलब ये वाली गाड़ी भी यार काफ़ी ज़बरदस्त चलती है, और यहाँ अपनी बुलेरो ने मार दिया है जंप। अब देखते हैं 20 पे तो भाई बुलेरो ना पहुँचे ऐसा कैसे हो सकता है, और देख लो यार लेजेंडर को टक्कर दे गई भाई साहब ये गाड़ी, बुलेरो तो यार देसी गाड़ी में सबसे टॉप पे आती है यार अपनी ये गाड़ी। तो भाई जल्दी से इसको यहाँ पे पार्क करते हो भाई, लेते हैं भाई अपनी नई वाली देसी गाड़ी को अपनी बुलेरो नियो को। तो गाइस अब आ चुकी है यहाँ अपनी महिंद्रा बुलेरो नियो, अब देखते हैं गाइस नियो की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। जो नियो के जो सस्पेंशन है गाइस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और देख लो भाई अपनी नियो यहाँ पे काफ़ी चिपक के चल रही है यार एकदम मस्त तरीके से, और मुझे लग रहा है गाइस ये अपनी भाई बुलेरो से तो आगे जाने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नियो ने मार दिया जंप, अब देखते हैं गाइस गाड़ी कितनी आगे जाने वाली है।
क्या है, अपनी बुलेरो से आगे जाएगी जाएगी यार, जाएगी जाएगी जाएगी, नीचे ही खड़ी है बुलेरो। और ओ एग्जैक्टली सेम यार, तेरी थोड़ी सी आगे है, लेकिन यार कितना ज़्यादा, मतलब कि इंजन का जो इंजन है भाई, इसमें फ़र्क तो है यार, डेफिनेटली फ़र्क है। तो मैं इसको भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे पुरानी वाली इनोवा क्रिस्टा की, और जैसे अपनी ये वाली इनोवा क्रिस्टा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ को लेकर। तो ये चले गए थे पुरानी वाली इनोवा, और लाइट अभी स्पीड बस पे तो यार काफ़ी सही जा रही है, कुछ भी इसका लड़ नहीं रहा है नीचे। क्या बात है, क्या बात है भाई, अपनी इनोवा क्रिस्टा तो यार गाइस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से जा रही है, और जंप आ गई, जंप आ गई, और यहाँ पे गए थे इनोवा क्रिस्टा ने मार दिया जंप। लेकिन पुरानी वाली इनोवा क्रिस्टा पानी में जाएगी, ये पानी में जाएगी भाई, ये वाली गाड़ी तो नहीं पहुँच पाई यार। तो गए अपने इस वाली क्रिस्टा में जो पावर है ना थोड़ी सी कम है, क्योंकि आप लोग पीछे देख पा रहे हो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है 2.0, यानी कि इसका जो इंजन है वो 2000 cc का इंजन है। आपको पता ही होगा गाड़ी का जो वेट है यार, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई लेते हैं अपनी नई वाली इनोवा क्रिस्टा को। तो गए इधर आ चुकी अपनी नई वाली इनोवा क्रिस्टा, और गए पीछे आप लोग देखते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.7, यानी कि 2700 cc का इसका इंजन है, और भाई इंजन काफ़ी बड़ा है, तो जंप भी बड़ी मारनी चाहिए गाड़ी को। तो देखते हैं क्या होता है। 150 पहुंच चुकी है, 170 पहुंच गई, 180, 190, 200 प्लस जा चुकी है अपनी गाड़ी, और 200 प्लस चुकी पुरानी नवा भी गई थी, कोई बड़ी बात नहीं। और देखते हैं आज जंप यहाँ पे कैसी होने वाली है, और मुझे लग रहा है अपनी ये वाली नवा जो है बीच पे पहुंच जाएगी, पहुंच गई गैस काफ़ी आराम से। गैस अपनी नई वाली इनोवा है भाई, पहुंच गई है, विंडशील्ड टूट गई आगे की, लेकिन कोई बात नहीं यार, चैलेंज तो पास हो गया। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो की, और ये गए अपनी स्कॉर्पियो S1, और भाई इसका जो इंजन है ना यार इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, नॉर्मल डीजल इंजन है इसका। तो देखते हैं गैस कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली अपनी इस वाली गाड़ी की। तो गैस अपनी जो पुरानी स्कॉर्पियो भाई, इसकी भी ना परफॉर्मेंस काफ़ी सही है यार, अगर देखा जाए यार इतनी पुरानी गाड़ी, अरे थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो रही है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और यहाँ पे गैस सबसे पुरानी भाई स्कॉर्पियो ने मार दिया जंप, देखते हैं क्या है भाई, दिख रहा है मुझे गाड़ी कहाँ जा रही है, और भाई ये वाली गाड़ी तो पानी में गिरेगी, और ये गिरी गैस अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो S1 सीधा पानी में, इनोवा के ऊपर से तैरती हुई जाती हुई। भाई इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है अपनी स्कॉर्पियो N की, और इसका जो इंजन है ना भाई, अपनी जो स्कॉर्पियो S1 है उससे दुगना पावरफुल है, टर्बो चार्ज इंजन है इसमें। तो देखते हैं गैस अपनी स्कॉर्पियो यहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हुआ, गैस देख सकते हो कितना मस्त चल रही भाई, एकदम चिपक के। क्या बात है यार, स्कॉर्पियो N बहुत ही कमाल चल रही है, 230-240 पहुँच गई, और यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो N ने मार दिया है जंप। क्या ये अपनी फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी, क्या ये फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी, मुझे तो लग रहा है भाई दे दिया टक्कर, और नहीं टक्कर तो नहीं दे पाई। कोई बात नहीं यार, बिग डैडी को अभी लेजेंडर के लेवल तक पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अभी भी लेजेंडर अपनी आ गई है अपनी इससे, तो इसको मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर पुरानी वाली ह्यूंडई वरना की, और देखते हैं गैस जो पुरानी वरना गैस यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चले गैस अपनी पुरानी वाली वरना, और देखते हैं गैस की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। 200 काफ़ी स्मूथ जा रही है अपनी, और यहाँ पे गाइस पुरानी वरना ने मार दिया है जंप। अब देखते हैं गाइस अपनी इस वरना की जो स्पीड है कैसी रहने वाली है। ओके काफ़ी सही जा रही है, और बीच पे तो पहुँच गई यार बेचारी, अकेली अपनी पुरानी वाली फॉर्च्यूनर, उसके शरीर पे सब गिर रहे हैं। तो कोई नहीं, मैं इसको भी इधर ही छोड़ दूँगा, पीछे का गेट भी खुल गया इसका। तो गाइस अब पारी आती है यहाँ पे अपनी नई वाली वरना की, और गाइस इसके जो लुक्स है ना वो आप लोग देखो एक बार, कितनी मस्त लग रही है। तो लेके चलते अपनी नई वाली वरना को, अब देखते हैं नई वाली वरना की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। ओके क्या ये अपनी पुरानी वाली वरना से आगे जाएगी, मुझे तो लगता है भाई जाएगी, लेकिन यार ऐसा भी है कि अपनी पुरानी वर्जन ना कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल भी थी, क्योंकि उसमें 1600 cc का इंजन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 cc का इंजन, मतलब कि 100 cc का फ़र्क आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे 100 cc कितना मैटर करता है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख, अरे भाई किसको लात मार दी भाई, कुछ फट गया यहाँ पे, और अच्छा किसी का वो रखा था यार, यहाँ पे वो जो होता नहीं है टायर वाला, हवा भर देते हैं जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए जो होता है, और भाई मैं भी क्या बात करूँ। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी नई वाली वरना ना ये ज़्यादा आगे आई है यहाँ पे अपनी पुरानी वाली वरना से, और देख सकते हो यार थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा डिफरेंस है यहाँ पे। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी टाटा सफारी डाइकोर की, और गाइस डाइकोर जो है भाई अपनी पुरानी वाली सफारी, अरे भाई क्या ही उछलती यार, अपना हाथ ही जो है ना भाई बहुत उछलता है। और देखिए गाइस अपनी डाइकोर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, 240, 260, 200, 300
और यहाँ पे भाई टाइकोर तो यार होंडा सिटी से भी आगे जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। क्या बात है भाई, सीधा हाईवे पे आगे गिरी है। अरे बाप रे, अरे नहीं माइकल, ओ भाई कोई पैराशूट दे दो। अरे हाँ कोई बात नहीं, डर दो देख के भी। तो गाइस देख दो यार, जो अपनी पुरानी वाली टाइकोर ये भी आगे आई है, और पुरानी वाली सिटी वाले की जो टॉप टू कार्स हैं जो कि सबसे आगे आई हैं वो तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली यार अपनी पुरानी वाली गाड़ियाँ हैं। तो गाइस पारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा सफारी 2022 वाली, और देखते हैं भाई ये वाली गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। वैसे भी ये वाली सफारी ने भाई काफ़ी ज़्यादा चिपक के चलती है, वैसे सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है भाई, वाइब्रेशन फील हो रही है पूरी की पूरी। ओहो बहुत यार उछल रही है गाड़ी, लेकिन यार चल तो बढ़िया रही है। ऑल राइट जंप आ गया, जंप आ गया, जंप आ गया, और देखते हैं गाइस क्या ये बीच पे पहुँचेगी, बीच पे पहुँचेगी कि नहीं। पहुँच जाएगी यार, पहुँच जाएगी, शायद शायद पहुँच जाएगी, शायद नहीं। पहुँच गई गाइस, पहुँच गई है, पहुँच गई है, और वरना को मार दिया धक्का इसने। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो अपनी गाड़ी है भाई अपनी ये इधर आ चुकी है। तो गाइस अब पारी आती है यहाँ पे हमारी आज की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कार की, मतलब कि जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कमेंट्स में आई थी गाइस, वो है यहाँ पे अपनी स्विफ्ट। तो गाइस बहुत सारे लोग कहते भाई अपनी पुरानी स्विफ्ट और नई स्विफ्ट को लेके आओ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली जो है पुरानी स्विफ्ट भी खड़ी और नई स्विफ्ट भी खड़ी, तो भाई इनका भी हम लोग करने वाले हैं चैलेंज। तो गाइस जल्दी से बैठते हैं पहले अपनी पुरानी स्विफ्ट के अंदर। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हम लोग अपनी पुरानी वाली स्विफ्ट के अंदर, तो लेकर चलते गए अपनी पुरानी स्विफ्ट को। बहुत टाइम बाद इसको चला रहा गाइस, इसके टायर कितने ज़्यादा पतले यार, बहुत ही ज़्यादा पतले टायर हैं। और यहाँ अपनी पुरानी स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा उछल रही है, बहुत ज़्यादा उछल रही है यार, 200 की स्विफ्ट पहुँच चुकी है अपनी स्विफ्ट यहाँ पे। और यहाँ पे पुरानी स्विफ्ट तो यार बहुत ही सही स्पीड में जा रही है, तो देखते हैं क्या क्या ये पहुँचेगी बीच पे या फिर नहीं। ऑलराइट पहुँच जाएगी, पहुँच जाएगी, बहुत ही आराम से पहुँच गई गाइस। ओ रे 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 भाई, इतनी हल्की है ना यार ये गाड़ी कि गिरते ही भाई उछल भी गई। तो गाइस अब बैठते हैं गाइस जल्दी से अपनी नई वाली स्विफ्ट के अंदर, और देखते हैं गाइस वो क्या इस वाली स्विफ्ट को बीट कर पाती है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे लोग बैठ चुके अपनी नई स्विफ्ट के अंदर, और देते हैं गाइस अपनी नई स्विफ्ट है यहाँ पे यार कैसा परफॉर्म कर चुका है। टायर में तो बहुत ही ज़्यादा फर्क आ चुका है, बहुत चौड़े हो गए टायर। अब देखते हैं गाइस नई स्विफ्ट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और 200 पहुँच गई, 200 पहुँच गई है, 230 पहुंच गई, 240, 250। और यहाँ पे नई वाली स्विफ्ट मुझे लग रहा है पुरानी वाली को तो पीछे ही छोड़ देगी। ऑल राइट गाइस देखो कितनी आगे, कितनी ज़्यादा आगे, और भाई बुलेरो से भी आगे आ गई यार। तो भाई नई वाली स्विफ्ट तो यार मतलब बहुत ही बढ़िया चलती है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पे हमारा आज का चैलेंज वो खत्म होता है। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ पास हुई हैं, कौन सी फेल हुई हैं, कौन सी सबसे आगे गई हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर फेल गाड़ियों की बात की जाए, तो इधर आप लोग देख सकते हो अपनी जो इनोवा है पुरानी वाली वो फेल हुई है, और गाइस यहाँ पे जो अपनी भाई स्कॉर्पियो थी S1 ये भी यहाँ पे फेल हो गई है। अब बात की जाए भाई अपनी पास होने वाली गाड़ियों की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो अपनी नई वाली गाड़ियाँ थी वो सारी की सारी ना यहाँ पे ऑलमोस्ट पास ही हुई हैं। और यहाँ पे एक गाड़ी और भी है वैगनार गाइस, ये वाली गाड़ी भी अपनी पुरानी वाली जो कि फेल हो गई थी। अब बारी आती भाई कौन सी गाड़ियाँ सबसे आगे गई, तो भाई सबसे आगे की बात की जाए तो भाई इधर अपनी डाइकोर है जो कि सबसे आगे आई थी, और यहाँ पर है भाई अपनी भाई पुरानी वाली होंडा सिटी जो कि सबसे आगे आई थी, मतलब कि फेल भी हुई है तो अपनी पुरानी गाड़ी, और सबसे आगे भी गई है वो भी अपनी पुरानी गाड़ी, मतलब अलग ही सीन है यहाँ पे। तो इधर आप लोग देखते हो भाई जो अपनी नई वाली गाड़ियाँ वो सारी की सारी यहाँ पे पास हैं, और गाइस ज़्यादा गाड़ियाँ पास हो गई यानी कि भाई वही गाड़ियाँ जीत गई। तो गाइस जो नई वाली गाड़ियाँ वो डेफिनेटली गाइस सारी पास हुई, तो यहाँ पे विनर तो वो होंगे। लेकिन अगर टॉप जंप की बात की जाए तो भाई पुरानी गाड़ियाँ जिनके मैंने नाम लिए थे भाई, वो भाई जंप्स के मामले में भाई उनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।